गाइस बहुत दिनों बाद हमारा फिर से ब्लॉग आ रहा है और इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं चार मीनार। सॉरी बहुत दिनों बाद नहीं आ रहा है, कल ही ब्लॉग डाला था मैंने, कल या परसों। तो इस बार हम ब्लॉग में जा रहे हैं चार मीनार और चार मीनार काफ़ी ज़्यादा क्लोज है हमारे। मुझे पता है आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही रहेगी पर थोड़ा मैनेज कर लो, आगे के ब्लॉग में बताते रहूँगा क्या 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 हो रहा है। गाइस हम लोग फाइनली चार मीनार के सामने खड़े हैं और ये को मैं बैक करके दिखाता हूँ। ये देखो आप जाके एक्सप्लोर करेंगे, देखते रहो। गाइस यहाँ पे तो गांडफाड़ शॉपिंग की दुकान है, रुको मैं दिखाता हूँ बैक करके। ये देखो चारों तरफ जहाँ मुंडी घुमा लो शॉपिंग ही शॉपिंग की शॉपिंग, मतलब एक बहुत कैजुअल शॉपिंग से लेके ये सब बहुत ज़्यादा ही। गाइस मुझे तो पर्सनली कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि शॉपिंग के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा दुकानों के अलावा। ये देखो और ये जो भी चार मीनार, बस तो हमारा प्लान थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, हम कहीं और भी जा रहे हैं, म्यूजियम में आजू बाजू कहीं तो कुछ तो नाम है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, तो वहाँ जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली जो म्यूजियम की मैं बात कर रहा था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखो और बस एंट्री पास ही आ जाएंगे एंड देन बहुत रश चल रहा है, इसलिए आधे घंटे में बंद हो जाएगा, हम लोग को फटाफट आधे घंटे में ही घूमना पड़ेगा। तुम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर फाइनली, कुछ ऐसा लुक है। ये देखो अलग अलग टाइप्स के और अलग अलग डिज़ाइंस के स्टिक्स वगैरह यहाँ पे है एंड ये मुझे काफ़ी क्रेजी लगा, मतलब आप डिटेलिंग दिखो। देखो ये देखो मैं गाइस ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे बापूजी की स्टिक कहाँ मिलेगी, और मे बी यहाँ नहीं, ये तो वो भाई ये तो ज़्यादा क्रेजी है वो। ये देखो क्रेजी गाइस, अगर आप देखोगे ये पूरा ऑफकोर्स ये ओरिजिनल है और ये जो भी आपको दिख रही है तो यहाँ पे ऊपर लिखा है शेल दिल्ली मुगल्स स्कूल मिड 17th सेंचुरी का है, ये क्रेजी भाई। मतलब देखो मैं अब ये कौन सा आला है, ये भी अगेन कोर्ट ऑफ मेल नॉर्थ इंडिया मुगल स्कूल 17th सेंचुरी, ऊपर भी हेलमेट है वही सेम हेलमेट है एंड ये लुक है जो भी रहता था एंड क्रेजी है। देखो आर्म्स गार्ड यहाँ पे है, ये आर्म्स गार्ड दोनों का आगे जाके थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। एक काम करता हूँ, ये अपना मुझे नहीं पता इसे मे बी भाला बोलते हैं, ये जो दिख रहा है स्पीयर टाइप स्पीयर को ही भाला बोलते हैं। गाइस ये बंदूकों की लेंथ देखो भाई, ये कौन सा कार 98 है चला रहा था बस पहले ज़माने में, इससे भी बहुत सारी गन्स हैं। ये देखो यहाँ पे पिस्टल्स वगैरह है, ये 6 फुट रिवॉल्वर है, हाँ 6 गोली वाली। ये देखो क्रेजी है, अब बहुत ज़्यादा क्रेजी जगह पे हम लोग आ चुके हैं। ये पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम एस्थेटिक एंड कोर से काफ़ी अच्छा है। ये देखो ये जो भी चीज़ें सामने वो मार्बल से बनी है, मार्बल कॉपी है। और ये देखो बहुत ही क्रेजी बनी है, ये देखो 19th सेंचुरी की समर सीजन का मार्बल कॉपी इटाली में आगे से बनी है, जैसे कि ये 19th सेंचुरी की है ऑफकोर्स। और ये एक और एक क्रेजी चीज़ दिखा था, जो भी चेस वगैरह खेलते हैं उनके लिए एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चेस बोर्ड्स हैं यहाँ पे। देखो देखो ये देखो ये देखो बहुत ही क्रेजी है एंड या इधर का भी आप देख लो एक बार, देखो मैं वहाँ पे एक बार जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस मेरा चैनल पे कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह बैन ना हो जाए, पर
पेंटिंग ही तो है भाई, मज़ेदार पेंटिंग है गाइस, बहुत सारी दिखाया उसको तो दिखाया। ये देखो क्रेजी, ओ भाई क्या तकड़ी पेंटिंग है, ओ ये भाई सब इधर ही ऐसे आए भाई। अब भी जाके मुझे समझ में आ रहा है क्या ये बहुत ज़्यादा क्रेजी है। देखो ये देखो, ये है फोटो, उसके पीछे है मिरर एंड उसके पीछे देखो कौन सी पेंटिंग आई है, जो भी स्टैचू, ये एक नंबर क्या मास्टर पीस है गाइस। बहुत तगड़ी जगह आ चुकी हम लोग, ऐसे अब रिग्रेट नहीं हो रहा मुझे कि अच्छा मैं कुतुब मीनार चार मीनार छोड़ के यहाँ आया। अच्छा हुआ, रिग्रेट बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब इसका नाम का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा, डबल स्टैचू हुड करके नाम किया उसका जो भी है ब्रैकेट में, क्योंकि ये देखो मिरर के साइड ही आ रहा है, मिरर के साइड में खड़ा हूँ, पर समझ रहेगा सबको क्रेजी होगा गाइस। ये म्यूजियम बंद हो चुका है और हम फंस चुके हैं, बंद हो गया है। अब गांड फाट डर नहीं लग रहा है क्योंकि झूठ बोल रहे थे, म्यूजियम बंद वैसे फंसे नहीं है, जा रहे फटाफट, टाइम पे हो चुका है। फाइनली गाइस बहुत मज़े कर लिए, बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे चीज़ें देख लिए एंड अभी हम जा रहे हैं घर, तो घर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं ब्लॉग खत्म हो गया, ब्लॉग थोड़ा सा और रहेगा अच्छे। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं म्यूज़ियम के बाहर, म्यूज़ियम के बाहर नहीं बस जो मेन म्यूज़ियम था उसके बाहर आ चुके हैं, पर अभी पता चल रहा है कि बाहर हम घूम सकते हैं, अभी बाहर का टाइमिंग नहीं है। हाँ चलो, म्यूज़ियम के बाहर आ चुके हैं और म्यूज़ियम के बाहर एक और चीज़ दिखा जो कि काफ़ी पुराना है, पर पता नहीं कि अच्छा ये तो पुराना नहीं, सॉरी जगह काफ़ी पुराना है। फाइनली हो चुका है जितना भी कुछ करना था यहाँ पे, अब जा रहे हैं हम घर पे।